यादगार पलों का मनमोहक साक्षी, नवयुगल की नई और पहली चॉइस, बेस्ट वेन्यू फॉर एवरी ओकेजन, डेस्टिनेशन वेडिंग, एलिगेंट डिजाइन एंड एक्सप्रेसिव डेकोर, एक्सपीरियंस विद लग्जरी, ला फ्लोरा गढ़ रोड मेरठ। गौतम बुद्ध नगर निवासी सेवानिवृत्त दरोगा की मेरठ में सोमवार रात करीब 2 बजे हत्या कर दी गई। दरोगा की साली के 28 वर्षीय बेटे ने फावड़े से काटकर यह हत्या की। हत्या के बाद युवक थाने पहुंच गया और बताया कि उसने अपने मौसा को मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। युवक का आरोप है कि सोमवार की रात उन्होंने शराब पार्टी की थी। इस दौरान मौसा ने उसकी माँ के बारे में अपशब्द कहे और पैसों का उलाहना दिया, जिस पर उसने रात में मौसा को मौत के घाट उतार दिया। सूचना पाकर SP देहात केशव कुमार भी मौके पर पहुंच गए थे। मारे गए रिटायर्ड दरोगा का नाम शिवराज सिंह है। वह 2012 में UP पुलिस के सब इंस्पेक्टर पद से रिटायर हुए थे। वह मेरठ के किठौर के हसनपुर का लगाव में अपने साड़ू महेंद्र के यहाँ आए हुए थे। शिवराज सिंह के साली के बेटे अंकुश पर 13 लाख रुपये बकाए थे, इसकी भी शिवराज सिंह मांग कर रहे थे। इस बारे में SP देहात केशव कुमार ने यह जानकारी दी। थाना क्षेत्र किठौर के हसनपुर गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम स्वराज है, उसकी उसके भतीजे के द्वारा जिसका नाम अंकुश है हत्या कर दी गई। दोनों व्यक्ति साथ में शराब पी रहे थे, किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ, जिसमें फावड़े से भतीजे के द्वारा अपने मौसा की हत्या कर दी गई है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, अग्रिम मैदानी कार्रवाई की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।